नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जिस समय का आपको था इंतजार वह समय आ गया है, जिसके लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, वह पल अब आप सभी के जीवनकाल में आ चुका है। दोस्तों, कल से आप सभी के जीवनकाल की एक नई जीवन की शुरुआत होने वाली है। यूं कहें, जिनके लिए आप इतने दिनों से तड़प रहे थे, दोस्तों अब वो समय शुरू होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अब आपके मेहनत का फल मिलेगा। और दोस्तों, कल से आप सभी का जीवन बिल्कुल ही सोने पे सुहागा वाले कार्य की स्थिति होगी। जी हाँ दोस्तों, कल से आप सभी के जीवनकाल में आपको वो खुशियाँ मिलने वाली है, जिन्हें पाने के लिए, जिन्हें पूरा करने के लिए आप पिछले कई समय से दिन रात एक कर रहे हैं, पिछले कई समय से तड़प रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और आखिर में वह समय अब आपका आ चुका है। इसलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को आप भूल कर भी मिस मत कीजिएगा, क्यों दोस्तों कल से आप सभी को अपने जीवनकाल में कुछ महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान रखना बेहद ही आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही खास है। इन्हें स्किप करने की भूल बिल्कुल भी मत करना। जो भी जातक आज के वीडियो को नज़रअंदाज कर देगा, वो आने वाला पूरा जीवन भर पछताएगा। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें, आज के वीडियो में कुछ ऐसी विशेष बातें बताने वाले हैं जो कि दोस्तों आज से आपको अपने जीवनकाल में याद रखने हैं। दोस्तों ध्यान रहे, ये बातें अगर आप भूलते जाएंगे तो दोस्तों जीवनकाल में कहीं ना कहीं आपको असफलता का मुंह भी देखना पड़ सकता है। जी दोस्तों, इसलिए आज की इस वीडियो को आप बिल्कुल ही मिस ना करें और इन्हें शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा कि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो बात बताने वाले हैं, जो सावधानी, जो खुशखबरी बताने वाले हैं और जो उपाय बताने वाले हैं, दोस्तों आज से आने वाले 365 दिनों तक आप सभी के जीवनकाल में बिल्कुल ही वरदान साबित होने वाले हैं। जी दोस्तों, माँ भवानी के आशीर्वाद से अब आपके जीवनकाल में वो बड़े चमत्कार होने वाले हैं जिनकी कल्पना आपने कभी सपने में भी की नहीं थी। जी दोस्तों, और आप इन्हें सोच भी नहीं सकती कि दोस्तों ईश्वर को कोई समझ नहीं सकता कि वह कब किसको क्या दे दे। जब देते हैं तो दोस्तों बस लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और जो जलने वाले होते हैं तो उनके होश ही उड़ जाते हैं। और दोस्तों, कुछ ऐसे ही चमत्कारी घटनाएं अब आपके जीवनकाल में होने वाले हैं। जी दोस्तों, आप सभी को बता दें कि नवरात्रि का जो पावन त्यौहार है, उनमें माँ भवानी का सबसे विशेष महत्व होता है। और दोस्तों, उनमें माँ भवानी अपने भक्तों के जीवनकाल में चमत्कार ना करे, दोस्तों ऐसा हो ही नहीं सकता। और दोस्तों, आज रात्रि के 12 बजे से आप सभी के जीवनकाल में माँ भवानी प्रवेश करने वाली है, और आप सभी के जीवनकाल में आपके सोचे हुए सपने को पूरा करने वाली है। जीवनकाल में जो बड़ी गलती आपने किया है दोस्तों, उनसे भी आपको अब अवगत होना होगा, उन्हें भी आपको करने से बचना होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में तमाम जानकारियां ग्रहों की गोचर पर निर्मित है, जो दोस्तों आप सभी के जीवनकाल से जुड़ी है। कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलेंगी, किन किन चित्रों को लेकर आपको सावधान रहना होगा, और कौन कौन से बड़े कार्य जो यश में आपके पूरे होकर रहेंगे, इन सभी की विस्तृत जानकारी देंगे जो कि ग्रहों के गोचर पर आधारित है। तो दोस्तों, इन्हें अंत तक देखना अब आपका दायित्व होगा। उससे पहले दोस्तों, जो भी माँ भवानी के सच्चे भक्त हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माँ भवानी जरूर लिखिएगा। माता भवानी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। जीवन काल में खुशियों की किलकारी गूंजेगी, कभी भी दुख दस्तक नहीं देगा। जी दोस्तों, तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और यदि आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि दोस्तों और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आए दोस्तों, बात करते हैं, शुरुआत करते हैं माँ भवानी के एक बहुत ही अच्छे विचार से। दोस्तों, माँ भवानी का एक सच्चा भक्त अपने जीवन काल में बहुत ही निराश और हताश हो चुके थे। उन्हें अपने जीवनकाल में कोई भी राह नहीं दिख रहा था कि अपने जीवनकाल से आखिर आगे कैसे बढ़े, क्यों उनके जीवनकाल में इतने दुख चलते रहते हैं। और दोस्तों, यह सोचकर वह अपने माँ से प्रार्थना करने लगे कि हे माँ भवानी, आखिर हमारे जीवनकाल में इतने दुख क्यों हैं। और दोस्तों, उनकी हृदय रूपी प्रार्थना से माँ भवानी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुई और उनके समक्ष प्रकट होकर उनसे पूछा कि आखिर क्या परेशानी है। तो उनके मन में यह सवाल उठता है कि हे माँ, अगर ईश्वर सच्चिदानंद है, जो खुद सत्चित और आनंद से बना है, तो संसार में इतना दुख क्यों है? क्या यहाँ सिर्फ सुख ही सुख नहीं हो सकता? यही सवाल वह माँ भवानी से पूछते हैं। माँ भवानी उन्हें कुछ कहने से पहले
उन्हें समझाने के लिए नदी के उस पार जाने के लिए कहता है और उनके हाथों में नाव के एक ही पतवार को देता है और वह नाव पर बैठ जाता है। और जब वह एक ही पतवार से नाव को बढ़ाता है तो वह नाव आगे नहीं बढ़ता बल्कि वहीं पर घूमता रहता है। तो वह पूछता है कि एक पतवार से नाव कैसे बढ़ेगी, तो माँ भवानी कहती है कि यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि जिस प्रकार एक पतवार से नाव आगे नहीं बढ़ता, उसी प्रकार जीवन काल में सुख और दुख जीवन के दो पतवार हैं। अगर सुख ही सुख हो तो जीवन का नाव आगे नहीं बढ़ता, दोनों बारी बारी से चलानी पड़ती है, तभी किनारे पहुंचोगे, क्योंकि मन में दुख से तादात्म्य बैठा लेते हैं, इसलिए आपकी पीड़ा बहुत मालूम होती है। वही मन में फिर सुख की खोज करता है बिना यह समझे कि सुख दुख का ही एक रूप है। सुख हो या दुख, दोनों को एक समान से देखें। ये दोनों लहरें हैं, आती है और जाती है, आप आनंद में रहेंगे। यह बात सुनकर उनके भक्त को जीवन का ज्ञान हो गया और वह खुशी से झूम उठे। तो दोस्तों, माँ भवानी का यह ज्ञान अगर आपको अच्छा लगा हो, सच्चा लगा हो, तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में दें जय माँ भवानी। तो आए दोस्तों इसके साथ बात करते हैं कि आज रात्रि के 12 बजे से आने वाले 365 दिनों तक माँ भवानी आपकी राशि पर जाने वाले हैं। तो दोस्तों आपको कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, कौन कौन सी बड़ी विशेष बातों के इसमें आपको ध्यान रखना होगा, आपका लव लाइफ, स्वास्थ्य, करियर और धन की स्थिति कैसी रहेंगी, इन्हें सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो के मध्य में ऐसी विशेष बातें हैं जिन्हें जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि आज रात्रि के 12 बजे से आप सभी के कुंडली में बड़ा ही परिवर्तन होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों आज रात्रि के 12 बजे से आप सभी के कुंडली में मां लक्ष्मी नाम का शुभ योग का निर्माण होगा। शिव नाम का शुभ योग और ब्रह्म लक्ष्मी नाम का महाशुभ योग का निर्माण होगा, यानी कि दोस्तों तीनों शुभ योग के कारण राजयोग का इसमें निर्माण होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और यह आयुष्मान नाम का राजयोग का यह निर्माण करेंगी और दोस्तों यशमी सुख समृद्धि नाम का भी राजयोग का निर्माण करने वाली है, जिनके कारण दोस्तों आप सभी की कुंडली में इनका प्रभाव आने वाले 365 दिनों तक रहेगा। माँ भवानी के आशीर्वाद से आने वाले 365 दिनों में आप सभी के जीवन काल में आपको बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपको अब वो खुशखबरी मिलने वाली है जिन्हें सुनकर आप सभी को अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन वास्तव में ये घटना आप सभी के साथ होकर ही रहेगा और इन्हें कोई रोक नहीं सकता है। परंतु दोस्तों, हमने आपको पहले ही कहा है कि यश में आपको कुछ बातों को लेकर बिल्कुल ही सावधान रहना होगा, अन्यथा दोस्तों आप सभी के किए कराई पर पानी फिर सकता है। जी हाँ दोस्तों, सर्वप्रथम दोस्तों हम आप सभी के कुछ महत्वपूर्ण बात बता दें कि जो कि आपके जीवन काल में चल रहा है, जिनसे आप अनजान रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जानकर भी उनसे अनजान रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह बात यह है कि दोस्तों आपने अपने जीवन काल में पिछले समय से कितने सारे मुसीबत और कितनी सारी समस्याओं को देखते आ रहे हैं। दोस्तों आप सभी का जीवन दूसरों से बहुत ही अलग है और दोस्तों आप लोग वो कार्य करते हैं जो लोग कोई दूसरा व्यक्ति कर नहीं सकता और दोस्तों वो भी आप धैर्य के साथ करते हैं। ऐसा नहीं है कि दोस्तों आप किसी के कहने पर करते हैं, खुद ही करते हैं और धैर्य के साथ करते हैं। जब तक आपको सफलताएँ नहीं मिल जाती दोस्तों, आप कार्यों में लगे रहते हैं। दोस्तों कर्म से आप बहुत ही कर्मशील इंसान हैं और मेहनत करने में भी आप किसी से पीछे नहीं रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, और यही कारण है कि ईश्वर माँ भवानी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रसन्न है और यश में जो ग्रहों की स्थिति बनी है, ये आपकी कुंडली की दशा नहीं बल्कि आप शिविक के जीवन की दिशा बदल देगी। आप शिविक को आज रात्रि के 12 बजे से आने वाले 365 दिनों तक लाभ के नए नए मौके खुलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप शिविक को बता दें कि जिस क्षेत्र में आप शिविक को पिछले कई समय से लाभ देखने को नहीं मिल रहा था, दोस्तों यश में आपको वो लाभ मिलने वाले हैं। जी दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यश में आप सभी के जीवन काल में खुशियों की नई बाढ़ आने वाली है। आज रात्रि के 12 बजे से आप सभी के जीवन काल में खुशियों की शहनाइयां बजने वाली है। जी दोस्तों, घर और परिवार खुशियों में गदगद रहेगा और दोस्तों आप सभी को बता दें कि वास्तव में ये आपके कर्म है, ये आपके अच्छे स्वभाव है
जिनके कारण यश्मि ग्रहों की स्थिति बनी है और माँ भवानी आप शिवी की राशि में है, आप शिवी की कुंडली में विराजमान है। जी हाँ दोस्तों, आप शिवी को बता दें कि यश्मि आप शिवी के जीवन काल में आपको धन से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याओं का निदान देखने को मिलेगा। एक प्रकार से कहें धन से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं उन सभी से यश्मि आपको मुक्ति मिलकर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जी हाँ दोस्तों, आप शिवी को बता दें कि यश्मि आप शिवी का जो पारिवारिक जीवन था, पिछले कई समय से पारिवारिक जीवन में समस्याएं देखने को मिल रही है। पारिवारिक जीवन आप शिवी का उतना सही नहीं चल रहा है जैसे कि आप सोच रहे हैं। कोई ना कोई आए दिन विघ्न बाधाएं आपकी पारिवारिक जीवन में आती ही रहती है, जिनके कारण आप शिवी का जो पारिवारिक जीवन है उनमें कई तरह की मुसीबतें आती है, कई तरह की खटास मन में हो जाती है और मनमुटाव के ही कारण आप शिवी के रिश्तों में बहुत सारी दरार बन रहे हैं। जी दोस्तों, लेकिन हम आप शिवी को बता दें कि अवश्य आप शिवी के जीवन काल में आपका जो भी पारिवारिक जीवन है उनमें वृद्धि देखने को मिलेगा। आप शिवी देख पाएंगे कि आप शिवी का पारिवारिक जीवन बिल्कुल ही सुगम और बिल्कुल ही सुदृढ़ हो गया है। आप शिवी का पार्टनर आप शिवी के साथ रहेंगे, आपकी भावनाओं को भी समझेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप जो भी बात कहना चाहते हैं बिल्कुल ही आप सामने अपने बातों को व्यक्त कर सकते हैं, आपको आपकी बातों की सराहना की जाएगी। जी दोस्तों, शमी आपके लिए बहुत ही अच्छा है, घरों का पूरा पूरा सहयोग आप शिवी को प्राप्त होगा, जिनके कारण आप शिवी का कार्य भी यश में बहुत ज़्यादा सफल होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप शिवी को बता दें कि आप यश में जो भी कार्यों में अपना हाथ को बढ़ाएंगे वह कार्य सफलता की ओर बढ़ेगा। आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर आपको मान सम्मान मिलने वाले हैं। कार्य क्षेत्र में आप शिवी का एक ऊँचा पद आप शिवी को मिलने वाले हैं। जिस भी क्षेत्र में आप कार्य करते हैं उनमें आप शिवी का दर्जा यश में बढ़ने वाले हैं। जी दोस्तों, और समाज में इन्हीं की वजह से आपका एक अलग ही मान सम्मान होगा, अलग ही नाम होगा। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही हम आप शिवी को बता दें कि समय ऐसा है कि आपका सोया हुआ किस्मत जगने वाला समय है। जी हाँ दोस्तों, हम आप शिवी को बता दें कि यह समय आप शिवी के बच्चे से कोई बड़ी खुशखबरी आप शिवी को प्राप्त हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, हम आप शिवी को बता दें कि समय जो है वह आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं करने वाला समय होगा। कुछ इतनी बड़ी प्रशंसा आप सभी को मिलने वाली है, कुछ इतने बड़े सफलता आप सभी के सामने इस समय आने वाले हैं। दोस्तों, एक प्रकार से कहें कि समय आपके लिए अत्यंत लाभकारी साबित होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यश्मि आप जिस भी क्षेत्र में निवेश करने की योजना बना रहे हैं उन पर अपने ध्यान को केंद्रित रखें। कहीं भी निवेश करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायी साबित होगा। लाभ के बड़े मौके वहाँ पर आपको मिल सकते हैं। यह समय का आपको सदुपयोग करना है, बहुत ही अच्छा समय आपके लिए रहने वाले हैं। साथ ही साथ हम आप सभी को बता दें कि संतान की तरफ से आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकता है, खुशियों का वातावरण रहेगा। यश में संतान की तरफ से आप सभी के जीवन काल में एक नई शुभ समाचार भी देखने को मिल सकता है। उनके करियर संबंधी आपको कोई अच्छा लाभ के मौके मिल सकते हैं। नौकरी जो भी लोग करते हैं नौकरी संबंधित कोई बड़ी खुशखबरी आप सभी को मिल सकती है। पढ़ाई से संबंधित कोई महत्वपूर्ण खुशखबरी भी आप सभी को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यश में आप सभी के जीवन काल में अगर आप कोई मांगलिक कार्यक्रम बनाने की योजना कर रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, तो इस समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। मांगलिक कार्यों की रूपरेखा यश में बनने वाली है और यश में जो आपके लिए समय होगा नया वाहन या फिर नया मकान खरीदने के लिए समय बहुत ही अच्छा है। प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं। इसके साथ ही हम आप सभी को बता दें कि इनमें आप जो भी पैसा को इन्वेस्ट करेंगे या फिर जहां भी आप प्रॉपर्टी को खरीदने वाले हैं उनमें आपको लाभ मिलने वाला है। जी दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यश में आपकी मन की इच्छा पूरी होने वाली है। जो पिछले कुछ समय से आपके कार्य रुके हुए थे, जी दोस्तों, वे सारे कार्य यश में धीरे धीरे पूरे होने वाले हैं और साक्षात आप सभी के जीवन काल में धन की देवी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पड़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यश में आप सभी के जीवन काल में कई सारे ऐसे दुश्मन हैं जिनका दुष्प्रभाव आप सभी के जीवन काल में पड़ने भी वाला है। लेकिन दोस्तों, उनके लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी करना चाहिए जिन्हें हम आगे आपको बताने वाले हैं, तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। इसके साथ ही हम आप सभी को बता दें कि यश में आपके जीवन से जितना भी संभव हो गरीब और जरूरतमंद लोगों की अवश्य मदद कीजिएगा। जी दोस्तों, जितना आपसे बने उतना ही, ऐसा नहीं कि आपको बड़ा करना है।
जी दोस्तों, जितना आप कर सकते हैं उतना अपने मन से कीजिएगा। जी दोस्तों, यश में आपके काम का जो योजनाबद्ध तरीका है वे आपके लिए सफल रहेंगे और उनमें आपको सफलताओं की प्राप्ति होगी। जी दोस्तों, किसी के सहारे आप शिविर का समाज में मान सम्मान भी बढ़ने वाले हैं। जी दोस्तों, कोई नए कार्य आपकी आप शुरू कर सकते हैं जिनमें आपको सफलता मिल सकती है और वही कार्य के सहारे आप शिविर को समाज में इसमें बड़ा इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। जी दोस्तों, पढ़ाई संबंधी रोजगार है, युवा वर्ग जो भी अपने करियर संबंधी कार्य कर रहे हैं, जो भी अपने करियर को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें यश में कोई बड़ी खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। एक प्रकार से कहें आपको मनचाही नौकरी मिल सकती है। पढ़ाई संबंधी रोजगार आपके लिए यश में सफल रहेगा और आपको नए अवसर प्राप्त होंगे। जी दोस्तों, लेकिन हम आप सभी को बता दें कि इसी अवसर को आप हाथ से बिल्कुल भी जाने मत दीजिएगा। ये अवसर आपको एक दिन बहुत आगे तक लेकर जाएगा और सफलताएँ आप सभी की कदम चूमने वाली है। बस आपको जो भी मौका मिलता है उन पर ध्यान दें। जी हाँ दोस्तों, और एक महत्वपूर्ण बात आप सभी को बता दें कि जो भी आप नए कार्य कर रहे हैं, किसी भी नए योजना बना रहे हैं, तो दोस्तों उन बातों को अपने तक ही सीमित रखें। जी दोस्तों, अगर आप किसी के भी सामने इन बातों को जाहिर करेंगे या फिर किसी को भी इन्हें बताएंगे, तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि ये सीक्रेट उनके साथ अगर गई तो आपका फायदा उठ सकता है। एक प्रकार से कहें लोग आपको इसी तरह यूज कर रहे हैं। ज़िंदगी में आपको अवश्य मिलना होगा और अपने महत्वपूर्ण बातों को अपने तक ही सीमित रखना होगा, अन्यथा दोस्तों आप सभी को कोई दूसरा व्यक्ति नुकसान पहुंचा सकता है। जी दोस्तों, इसलिए जो भी कार्य करें चुपचाप करें। जी दोस्तों, इसका मतलब यह नहीं कि किसी को नहीं बताना है। जी दोस्तों, आप अपने मन की बातों को अपने मन के ही अंदर रखना है। जी दोस्तों, अन्यथा दोस्तों इसका कोई गलत फ़ायदा भी उठा सकता है, आपके इमोशन के साथ भी खेल सकता है। इसलिए जो भी दिल की बातें हैं आप उन्हें अपने अंदर ही रखना आपके लिए बेहतर होगा। इसको प्रांति हम आप सभी को बता दें कि यश में अपने क्रोध पर आपको संयम रखना होगा। जी दोस्तों, अपनी वाणी पर आपको मधुरता बनाकर रखनी होगी, आपको सफलता जरूर ही मिलने वाली है। जी दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपका गलत व्यवहार आपकी बनते बनते काम को भी बिगाड़ सकती है, इसलिए यश में ये आपकी बड़ी कमजोरी रहने वाली है। इसलिए आपको अपने वाणी पर आपको थोड़ा सा ध्यान देकर रखना होगा कि कहीं गलत शब्द आपके मुंह से ना निकले। जी हाँ दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। इसके साथ ही हम आप सभी को बता दें कि यश में अगर आप किसी को पेशा दे रहे हैं तो यश में पेशे की लेन देन को लेकर आपको सावधानियां बरतनी चाहिए, अन्यथा दोस्तों आप सभी को बता दें कि पेशे मिलने की आशंका बहुत ही कम होगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी को पेशा उधार दे रहे हैं तो यश में आपको बचना चाहिए, नहीं तो दोस्तों आगे चलकर ये आपके लिए ही मुसीबत के कारण बन सकता है। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें कि पेशा आपको कहीं भी फंसाना है सोच समझकर ही फंसाना है। ये आपके अपने पेशे ने सही तरीके से अगर आप उपयोग करेंगे तो धन की देवी माता लक्ष्मी आप सभी के जीवन काल में जो प्रसन्न हैं वे आपके जीवन काल में हमेशा आशीर्वाद बनाकर रखेंगी। जी दोस्तों, इसके उपरांति हम आप सभी को बता दें कि यश में किसी भी घर के बड़े बुजुर्ग व्यक्ति की अवहेलना ना करें, उनके प्रति हमेशा सद्व्यवहार रखें, सेवा का भाव रखें। इसी दोस्तों घर के जो भी बड़े बुजुर्ग है दोस्तों उनका आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा और जीवनकाल में आप सभी एक नए ही कीर्तिमान को स्थापित करने वाले हैं। जी दोस्तों, प्रेम संबंधों की अगर हम बात कर दें तो दोस्तों जो भी लोग अविवाहित हैं उनके लिए अनुकूल रिश्ता आने की संभावना है, जिससे आप सभी का मन काफ़ी हद तक प्रसन्न रहेगा। प्रेम संबंधों में यश में प्रगढ़ता बढ़ने वाली है। दोस्तों बहुत ही अच्छा समय है। यदि पति पत्नी के बीच कोई नोक झोंक चल रही है तो दोस्तों वह भी आपके प्रयासों से दूर हो जाएंगी। प्रेम संबंधों में मधुरता यश में रहने वाली है और दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपको अपने जीवन साथी के साथ डिसिप्लिन में भी रहना होगा। जी दोस्तों, उनके साथ तकरार करने की आपको कोई भी हद को नहीं छूना है। जी दोस्तों, माहौल आपके लिए बहुत ही खुशमा रहेगा। प्रांति हम आप सभी को बता दें कि यश में आपका कोई सीक्रेट लीक हो सकता है, इधर उधर हो सकता है, जिससे आपको नीचा देखना पड़ेगा। जी दोस्तों, अपमानित भी होना पड़ सकता है, इसलिए आपको सावधान रहना होगा। जी दोस्तों, यश में आप सभी को हम यह बात बताना चाहेंगे कि नौकरी संबंधी कार्यों में भी शर्तें आएंगी। जी दोस्तों, समय आपके लिए तरक्की के योग लाएंगे और अत्यंत महत्वपूर्ण समय होगा।
जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं यदि वह चौथे स्थान पर जाना चाहते हैं तो आपको इसमें कामयाबी मिलने वाली है, बशर्ते आपको प्रयास जारी रखना होगा। जी दोस्तों, और इसके उपरांत ही कोई व्यापार बिजनेस है तो दोस्तों उनमें आपको सफलता मिलने वाली है। बड़ा ऑर्डर आप सभी को प्राप्त हो सकता है। मन मुताबिक आपके परिणाम आपके सामने आने वाली है। समय बहुत ही अत्यंत लाभकारी रहने वाला है। जी दोस्तों, हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि यश में आपके कार्यस्थल पर सहकर्मी या फिर कर्मचारी हैं उस पर आपको भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना होगा। सभी गतिविधियों पर आपको पैनी निगाहें रखनी होंगी। जी दोस्तों, अन्यथा आप सभी को कुछ नुकसान देखने को मिल सकता है। यश में आप सभी को क्या करना है कि आपको स्वयं ही अपने कार्यों को देखना है, जाँच पर करना है। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत ही हम आप सभी को बता दें कि शहर से संबंधित कार्यों में आपको यश में सफलता मिलने वाली है। समय बहुत ही अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी वर्तमान गतिविधियों पर आपको ध्यान केंद्रित करना है। घर परिवार की बातों को छोड़कर आपको अपने कार्यस्थल पर ही रहना है। क्षेत्र से केंद्रित जो भी लोग हैं, उपरांत ही हम आप सभी को बता दें कि सेहत को लेकर आपको ध्यान केंद्रित करना होगा। यश में आपको गलत संगति का साथ छोड़ना होगा। जी दोस्तों, हमने आपको पहले भी ये बात कई वीडियो में बताए हैं कि गलत संगति की वजह से आपका सेहत तो खराब होगा ही, साथ ही आने वाले कार्य भी आपके बिगड़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यश में आपको इन पर ध्यान देना होगा, अन्यथा आप सभी का सेहत बहुत ही अच्छा रहने वाले हैं। बस आपको थोड़ी सी एलर्जी महसूस हो सकती है, इसलिए आपको बदलते मौसम को लेकर थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। थोड़ा सा व्यायाम और थोड़ा सा खान पान को लेकर आपको सावधानी बरतनी होगी। स्वास्थ्य आपका बिल्कुल ही बेहतर रहने वाला है। इसके उपरांत ही दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आने वाले 365 दिनों तक आप सभी की कुंडली में बहुत ही अच्छे योग हैं और यश में आप सभी के दुश्मन आपके लिए बहुत सारी क्रियाएं भी कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि जब भी शत्रु हमारे ऊपर प्रभावशील होते हैं तो कोई भी हद तक जा सकते हैं। जी दोस्तों, चाहे वो हमारे ऊपर भूत छोड़ दे, कोई तांत्रिक क्रिया करवा दे या फिर जान से भी मारने का हरकत कर सकता है। तो दोस्तों, इसी में आपको कैसे संभलना है, आप सभी को बता दें कि भूत प्रेत एक अदृश्य ऊर्जा है। जी दोस्तों, और इसी संसार में ये रहते हैं किंतु उनके आसपास होने का एहसास कुछ ही लोगों को पता होता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार जिस जातक के गण कमजोर होते हैं वे ही भूत प्रेत जैसी नकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं और शीघ्र ही इनके प्रभाव में भी आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त कभी कभी शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति और गर्भवती महिलाएं भी भूत प्रेत और ऊपरी बाधाओं का गिरफ्त में आ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इनसे आपको बचने के लिए क्या करना चाहिए। जी दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इनसे बचने के लिए आपको क्या करना है कि पाँच मुखी रुद्राक्ष की विधिवत पूजा करना है। श्रावण माह, शिवरात्रि माह या फिर सोमवार के किसी भी दिन आप इन्हें धारण कर लें। रोजाना रुद्राक्ष की पूजा करें, इसे धूप दीप दिखाएं और फिर ओम नमः शिवाय का मंत्र का 108 बार जाप करें। रुद्राक्ष धारण करने से नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती है और जो शत्रु आपके ऊपर विपरीत बाधाएं छोड़ती है उनसे आप सभी को मुक्ति मिल जाता है और जो शत्रु आपके ऊपर ये बाधाएँ छोड़ता है उन्हीं के ऊपर ये बाधाएँ जाकर लगता है। तो इस श्रावण के पावन महीने में आपको इन उपायों को अवश्य करना है। जी दोस्तों, पांच मुखी रुद्राक्ष के तीन मन के धारण करने से पूर्ण लाभ मिलता है। इसके साथ ही रुद्राक्ष धारण करने से मानसिक मनोबल भी मजबूत होता है, कार्यों में सफलताओं की प्राप्ति होती है और घर की जो भी बुरी नकारात्मक स्थिति है वे सभी से आपको मुक्ति मिलती है, घर में बरकत भी होती है। जी दोस्तों, इसके उपरांत ही हम आप सभी को बता दें कि यश में आपको शनिवार और मंगलवार के दिन लौंग का एक महाउपाय को करना है। जी दोस्तों, आप सभी को बता दें कि रोज नहीं तो शनिवार या फिर मंगलवार को आप याद रखें, ये उपाय जरूर कीजिएगा। धन की कमी नहीं रहेगी। रात्रि को जब रसोई घर का काम खत्म हो जाए तो रसोई घर में एक मिट्टी के दीपक में दो लौंग और एक कपूर की भट्टी जला दें। जी दोस्तों, धन क्षमता आप सभी के घर में बनी रहेगी और जो भी लोग ऐसी क्रियाएँ करेंगे उनके जीवनकाल में अन्नपूर्णा देवी का भी वास होगा। जी दोस्तों, तो ये उपाय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो दोस्तों, आप इन्हें भूल कर भी मिस मत कीजिएगा, इन्हें ध्यान से रखिएगा। जी दोस्तों, इसके उपरांत ही हम आप सभी को एक और महत्वपूर्ण उपाय बताते हैं कि समय समय पर आपको भगवान शिव के मंदिर जाना है
जब आपका मन करे भगवान शिव के मंदिर जाना है और वहाँ पर आपको बिलपत्र अर्पित करना है, आपको भगवान शिव को जल भी अर्पित करना है। और दोस्तों, जब भी आप जल अर्पित करते हैं, बिलपत्र अर्पित करते हैं, दूध अगर अर्पित करते हैं, तो दोस्तों उनमें से आपको बिलपत्र का एक टुकड़ा आपको अपने घर लाना है। और दोस्तों उस टुकड़े को आपको अपने तकिए के नीचे रखना है, अपने जहाँ पर आप धन को रखते हैं वहाँ पर रखना है। दोस्तों इनसे आप शिव के जीवन काल में जो भी धन की समस्याएं हैं वे शिव समाप्त होंगी ही, साथ ही साथ भगवान शिव आप शिवी को कवच बनकर आपकी रक्षा करने वाले हैं। तो दोस्तों ये सबसे महाशक्तिशाली उपाय है। इस सावन के पावन महीने में आप इस इन उपायों को कर लीजिएगा या फिर आने वाले समय में भी कर सकते हैं। बहुत ही भाग्यशाली उपाय है दोस्तों, आपको लाभ देकर जाएगा जी दोस्तों। दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, आने वाले 365 दिन मंगलमय हो।